देश के दो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और अभय छजलानी का हाल ही में निधन हो गया। इन वरिष्ठ पत्रकारों की याद में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नागरिकों ने शिरकत की। श्रद्धांजलि समारोह का ये कार्यक्रम माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रखा गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और वरिष्ठ पत्रकार अभय छजलानी के पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान को याद करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और अभय छजलानी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर वैदिक से बात हुई थी। वो पत्रकार नहीं, बड़े भाई के समान थे। वो हिंदी भाषा से प्यार करते थे, लगातार वो हिंदी के लिए लड़ते रहे। उनके योगदान को हमेशा समाज याद रखेगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर वैदिक से उनके पारिवारिक संबंध थे, ये उनके मेंटोर भी थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकारों एवं नागरिकों ने शिरकत की। मेरी 10 मार्च को ही, जहां तक मुझे ध्यान है, उनसे फोन पर चर्चा हुई थी। और कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब उनसे फोन पर चर्चा ना होती हो। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनसे जब दिल्ली आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। वो पत्रकार से बढ़कर बड़े भाई लगते थे मुझे सदैव। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था। कहते हैं सरस्वती जी कंठ में विराजती है, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि सरस्वती जी जैसे उनके कलम में विराजती है। हमारे परिवार से बहुत ही अंतरंग संबंध उनके थे। मेरे पिताजी को वो बड़ा भाई मानते थे और पिताजी से लगभग उनकी हर हफ्ते बात होती थी। देश की राजनीतिक परिस्थितियां, दिल्ली में क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, इसकी जानकारी वो लगातार पिताजी को देते थे। मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने वो सिलसिला मेरे साथ भी जारी रखा। और जिन चंद लोगों ने मुझे मेंटर के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में जो राह दिखाने का काम किया, उनमें से एक वेद प्रताप वैदिक जी थे। जब हमने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की तो उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हमारी हौसला अफजाई की और मुझे इस बात के लिए उन्होंने बहुत बधाई दी कि एक बड़ा काम आपने किया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।